बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे, आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था, आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी। लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा? पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे, कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। नाइन इलेवन पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा क्या होता है। इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते, दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान, और खुसूसन बॉम्बे में। बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर वन रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर टू जिम्मेदार जो पॉलिटिशियन पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं, सब रोकना नामुमकिन है, 100% कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंदर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में, एक
1500 मुसलमान का कत्ल होता है, मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता मुसलमान होते, 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी, हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में एक हफ्ते बाद जो वापिस था प्लान्ड था पूरा, इट वॉज प्लान्ड हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर वन ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर दो जो पॉलिटिशियन पावर में थे उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर तीन आम जनता, आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त है, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर तीन रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर चार पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी, जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते, क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की? वन जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे, और कायम करते वन जज कमीशन श्री बी एन कृष्ण को, श्री बी एन श्री कृष्ण को, श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है, साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है, हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला वन मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है, रिपोर्ट बनाते दो वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या, दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये रायट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते नंबर वन रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे, मैंने कह रहा हूं श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर टू द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट, जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका, नाम लिख के कहता है, माशाल्लाह गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी, और कोई जस्टिस को भी कोशिश की लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे, कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं कहता हूं जस्टिस श्री कृष्ण, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है, मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, गट से उसने। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल, नाम ले रहे पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा, अकेला शख्स, नाम लेके
कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर नाम भी लिया त्यागी दैट टाइम जॉइंट कमिश्नर ये कहता था उस टाइम नाम लेके पुलिस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से एलके अडवाणी का नाम भी अंदर है एलके अडवाणी बाबरी मस्जिद नाम लेते हुए मैं तहकीक किया लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बी एन श्री कृष्णा हिम्मत है उसमें नाम लेते हुए तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर वन है पॉलिटिशियंस इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है हमें फखर है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे एक आम जो हिंदुस्तानी है खुसूसन हम मुस्लिम हम मुसलमान चाहे पॉलिटिशियन हमें धोखा देंगे चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है और हम दुआ करते हैं अल्लाह से क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे वरना खुदा इस देश को बचा सकता है बॉम्बे राइट्स के बाद जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में दो महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 13 बॉम्ब फूटते हैं 13 बॉम्ब धमाके होते हैं बॉम्बे में जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं उस टाइम कहना था हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था दो साल पहले जब तकरीर की थी उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक्ट आने वाला था ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बंबई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था जब मुस्लिम आम मुस्लिम सड़कों पर चलते थे जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे सफर करते थे बस में जाते थे लोग उन्हें घूरते थे उनको ताने मारते थे मुसलमान का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था गैर इस्लामी था फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे यह बिल्कुल अन इस्लामिक है ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए उसका जिम्मेदार कौन कौन लोग वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की नंबर वन नंबर टू क्यों ऑपोजिशन ने की वोट बैंक के लिए नंबर टू पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका नहीं तो सीट चले जाएंगी वो रिस्पॉन्सिबल है नंबर थ्री आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई नंबर चार जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी नंबर पांच जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन रूलिंग एंड ऑपोजिशन वही लोग सदर सबके पॉलिटिशियंस